नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यन और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक्सेल में किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट से एक क्लिक में हजारों बार कोड बनाने का तरीका। जी हां, हजारों बार कोड आप एक क्लिक में बना सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक। तो आइए उसको हम लोग करके दिखाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा टूल्स डाउनलोड करना होगा, जिस टूल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा सा एक टूल्स है, फॉन्ट है, जो कि बारकोड के लिए है। आप CIA कोड 39 यहाँ पे URL डालिएगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें से जो पसंद है डिजाइन, वैसा डिजाइन आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों, आपको सिंपल सा एक काम और कर लेना है। जैसे आपका जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको जाने यहाँ पे जाना है डाउनलोड ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इस तरह के। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक छोटा सा फॉन्ट है, या फिर कॉपी करके फॉन्ट में जा करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए तो भी हो जाएगा। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप आइएगा वापस से एक्सेल में। आपके सामने दोस्तों एक्सेल में एक डेटा मैंने तैयार किया है, इस डेटा का बार कोड बनानी है। सिंपल सा दोस्तों, जिस न्यूमेरिकल डेटा को या अल्फाबेट डेटा को आपको बार कोड क्रिएट करना है, उसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाइएगा फॉन्ट में। फॉन्ट में दोस्तों आप CIA टाइप कीजिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फॉन्ट आ गया होगा CIA नाम से, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट है। ये फॉन्ट पर जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर अभी आपका डेटा है, और इस फॉन्ट पर आकर के जैसे ही आप इंटर दबाइएगा या यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने देखिए कि इतना सारा जो है बार कोड बन करके तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर हम इस डेटा में अगर यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहे, जैसे मान लीजिए 87 था, वहाँ पर कोई चेंजिंग करना चाहे, तो ये चेंजिंग यहाँ से नहीं होगा। चेंजिंग करने के लिए आपको दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बार कोड कैसे क्रिएट किया जाए। ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसका ट्रांसफ़र का एक फार्मूला लगाना है। सिंपल सा प्लस दबाना है और इस पर ऐसे क्लिक करके इंटर दबा देना है, और इंटर दबाने के बाद इसको सिंपल सा हम थोड़ा इसके फॉन्ट को बड़ा कर दें। यहाँ से दोस्तों मैं इसको 22 कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। अब आपके सामने आ गया। अब यहाँ से इसको आप क्या कीजिए, ऐसे ड्रैग कर लीजिए। ये सारे में फार्मूला ऐड हो गया दोस्तों। इसके बाद सिंपल सा एक काम करने से पहले दोस्तों, अगर ये मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ऐसे नया नया टिप्स आपको मिले सबसे पहले, और आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या किए। यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र कर लिए। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, CIA टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका बाहर कोड बन करके तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, अब इसमें अगर कोई चेंजिंग है, मान लीजिए जो 8 है यहाँ पे, 8 की जगह पे ए लिखना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बदलाव करेंगे और इंटर करेंगे, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बदलाव हो गया। अब दूसरा कोई और यहाँ मान लीजिए हम बी लिख देते हैं, टी लिख देते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए बी टी हो गया। इस तरह से आपका जो भी अगर कुछ बदलाव होगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप हजारों बार कोड बना सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।